इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ। अल्लाह के नाम पे दे दे। दोस्तों, दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों के बारे में है आज की वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, लैरी पेज जिन लोगों को नहीं मालूम तो भाई तुम कौन लोगो, पहले ये तो बता दो बस। दोस्तों, लैरी पेज गूगल का फाउंडर है। तकरीबन 1995 में लैरी और इसका एक लंगोटिया यार सर्जन ब्रिन एक आइडिया लेके साथ आए कि हम इंटरनेट पे काम चलाने वाली चीजों को तेज करना चाहते हैं। आसान अल्फाजों में के फंडिंग दो भाई, फंडिंग। लेकिन फंडिंग को उन्होंने सही जगह पे लगाया और 1998 में गूगल के साथ आ गए और आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन और तेज तरीन इंजन माना जाता है। वैसे वो सेल्फ फंडिंग थी। फिर इस लैरी ने 2001 तक गूगल की सीईओ पोस्ट को भी हैंडल किया। अब भाई एक बार तो ये सीईओ बन के उतर गया तो बस ना, बात खत्म। लेकिन नहीं भाई, ये जनाब तो दोबारा से मैदान में आ गए और 2011 से 2019 तक फिर से सीईओ बन गए। वाह भाई वाह। अरे हाँ भाई, मालूम है कि ये वीडियो रिचेस्ट पीपल पे है, लेकिन वो क्या है ना कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि बंदा करता क्या है, कैसे अमीर बना और कितने पैसे आए, कहाँ से आए, ये सब तो आपको पता होना चाहिए ना। वैसे दोस्तों, लैरी पेज की आज के टाइम पे रिसेंटली 2023 में जो नेटवर्थ बताई जाती है वो $83.7 बिलियन बताई गई है। वैसे यार, आप में से कोई एक काम करना कि मुझे ये बता दे कि 87 बिलियन में जीरोस कितने होते हैं। वैसे जब तक वो टाइप कर रहा है तब तक दूसरे प्यारों को बता दूं कि ये जनाब यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में अपनी दे रहे हैं सर्विसेज। राजा जी, दोस्तों स्टीव बेलमा जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीए की स्टडी कर रहा था, लेकिन फिर बिल गेट्स जनाब इनके पास आए और कहा अबे छोड़ पढ़ाई को, ये कोर्स करते फिर पैसे ही पैसे होंगे। और फिर कैसे ना कैसे करने उसने भी मान लिया और स्टीव माइक्रोसॉफ्ट में आ गया 1980 को और वो माइक्रोसॉफ्ट का 30वां एम्प्लॉई था। और फिर वक्त गुजरता गया, इसकी भी तरक्की होती गई। और फिर 2000 में माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ के ओहदे पे अपॉइंट हुआ था और उसने वो ओहदा 2014 तक संभाला था। वैसे बेलमार तब तक माइक्रोसॉफ्ट में 4% का होल्डर था और फिर उसने अपने माइक्रोसॉफ्ट से हाथ निकाल दिए और $2 बिलियन में एक लॉस एंजल्स की क्लिपर बास्केटबॉल टीम को परचेज कर लिया और ये बंदा आज $85.8 बिलियन का मालिक है। दोस्तों, मुकेश अंबानी जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुक करता है, ये बंदा दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का डायरेक्टर और चेयरमैन है, रिलायंस। दोस्तों, ये इतना बड़ा बिजनेस इनके वालिद जनाब ने बनाया था 1967 में और ये उसकी ताकत को और ज्यादा मजबूत करते करते ये जनाब दुनिया की रिचेस्ट पीपल में भी आ गया। वैसे इस कंपनी के साथ इसकी एक रियल इस्टेट कंपनी भी है इंडियन एंटीलिया के नाम से। वैसे मुकेश अंबानी $87.3 बिलियन का मालिक है जिसमें सारी इसकी नेटवर्थ रिलायंस के 42% की स्टेक होल्डिंग से आती है और $410 मिलियन अलेदा से एंटीलिया रियल एस्टेट कंपनी की। वैसे दोनों को मिला के $87.8 बिलियन की नेटवर्थ का मालिक है मुकेश अंबानी जनाब। अब दुनिया का अमीर आदमियों में आता है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज तो ड्रॉप आउट किया ही होगा। जी हाँ दोस्तों, 1967 में इसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ड्रॉप आउट किया। फिर ये लड़का वहां से मूव हुआ और कैलिफोर्निया में कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया। और फिर ऐसे करते करते, स्ट्रगल करते करते इस बंदे ने ओरेकल कंपनी में जाके अपना हिस्सा दिया और वहां पे 37 साल सीईओ रहा। और ओरेकल दुनिया की दूसरी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ड्रॉप आउट होने के बाद इस बंदे ने आज तक अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ यार $92.9 बिलियन की नेटवर्थ कमाई है।
दोस्तों वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे कंपनी का सीईओ है। सिर्फ सीईओ नहीं है बल्कि उसमें 14% का स्टेक होल्डर भी है। इसने अपनी लाइफ का पहला टैक्स रिटर्न 14 साल की उम्र में भरा था 1967 में। एक वो है एक हमें जो 18 साल की उम्र के होके भी यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगते, क्या जिंदगी है भाई। वैसे वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $108 बिलियन है, जिसमें से $107 बिलियन बर्कशायर हैथवे की 14% स्टेक होल्डिंग में ही है। दोस्तों ये गंजा अमेज़न कंपनी का फाउंडर है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी। दोस्तों 1944 में जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी amazon.com के नाम से, जिसमें आज ये बंदा 10% स्टेक होल्डर है, जिसकी वैल्यूएशन $85.2 बिलियन है। वैसे ये तो सिर्फ इसकी होल्डिंग की वैल्यू है, अगर इंटर नेटवर्थ की बात करूँ तो भाई $109 बिलियन का ये जनाब मालिक है। में बैठे एक दिन बिल गेट्स और उसके बचपन के जिगरी यार ने सोचा कि यार कब तक ऐसे झंड लाइफ गुजारेंगे, रोज वही होमवर्क, रोज वही क्लास वर्क। तो बिल और पाउल ने एक बहुत ही प्यारा दिमाग लगाया और एक सॉफ्टवेयर बना दिया माइक्रोसॉफ्ट। अब कौन जानता था कि वो छोटा सा सॉफ्टवेयर एक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों की इन्वेंशन है और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में 1.24% की स्टेक होल्डिंग रखता है। वैसे बिल आज के टाइम पे $109 बिलियन की नेटवर्थ रखता है। दोस्तों गौतम अडानी ने 2022 की मार्च में मुकेश अंबानी को क्रॉस करके एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा अमीर आदमी बन गया। गौतम साहब गोरेगांव से ताल्लुक करते हैं और अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं। रिसेंटली गौतम अडानी की नेटवर्थ $119 बिलियन बताई गई है। अरे भाई इन जनाब के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, इसका मैं क्या ही बताऊं। $200 बिलियन लूज किए इसने, 371 पे बैठा हुआ था। वैसे दोस्तों इलोन मस्क रिसेंटली दुनिया के दूसरे नंबर पे आया है, क्योंकि इसकी कार कंपनी टेस्ला के शेयर्स डाउन हो गए और ट्विटर जो इसने रिसेंटली अभी खरीदा था वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसकी वजह से इसकी अभी जो नेटवर्थ बताई जा रही है वो है $126 बिलियन। बर्नार्ड अर्नल्ड दोस्तों आज दुनिया का ये सबसे अमीर तरीन आदमी है, LVMH कंपनी का सीईओ और चेयरमैन भी है। वैसे क्रिस्टियन दियोर में इसकी स्टेक होल्डिंग 97.5% है, जो कि $130 बिलियन की वैल्यूएशन रखती है, लेकिन $164 बिलियन की नेटवर्थ के साथ ये दुनिया का आज अमीर तरीन आदमी माना गया है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।